जाति जनगणना के विषय में दो तीन बातें जानना आवश्यक है। एक तो पहली बात यह है कि हर 10 साल पर यह होता है, यह अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था और 1901, 1911, 1921 एवं प्रकार से लगातार ये होता रहा। आखिरी जिसमें जाति की गणना हुई, जिस सेंसस में, वो 1931 में थी। 1941 में भी गणना हुई, लेकिन चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके निष्कर्षों को एक इकट्ठा करने में कुछ दिक्कतें आई थी। उसके बाद ये बड़ी आश्चर्य का विषय है कि 2021 की जनगणना को रोक दी गई है। यह न सिर्फ पूरे के पूरे देश के साथ अन्याय है, देश के संविधान विरोधी कदम है, बल्कि देश के बहुजन समाज के साथ भारी, एक तरह से उनके साथ एक अन्याय है। क्यों है यह अन्याय? क्योंकि कोर्ट कहती है कि आपको तब आरक्षण मिलेगा जब हम डेटा आपके देखेंगे, और सरकार कहती है कि चाहे जो हो जाए हम कास्ट को नहीं गिनेंगे। ये एफिडेविट भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पहले दी। जब तमाम तरफ से उन पर दबाव आया तो उन्होंने इस एफिडेविट पर परिवर्तन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया, लेकिन उनकी इच्छा क्या है यह स्पष्ट है कि वो जाति जनगणना नहीं हो, इसलिए देश के संवैधानिक प्रावधान सेंसस को ही रोक के रखा हुआ है। और सेंसस के रुकने पर, और मैं बता दूं, जिस वजह से कुछ लोगों का कुछ जगह वक्तव्य आता है कि वो जो कोविड काल था और इस वजह से दिक्कतें आई, तो आपको मैं बता दूं, दुनिया में किसी भी देश में जहां पर जहां जनगणना की जाती है वहां कोविड के कारण गणना को नहीं रोका गया। ये उपज है भारतीय जनता पार्टी की मनुवादी मानसिकता के तहत उन तमाम लोगों को उनके हक से महरूम करने का, जिनका वो अपने जो मनुस्मृति आधारित प्रपोज्ड जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें वो विरोध करती है। इसके पहले जिक्र आया था कि काका कालेलकर कमीशन ने रिकमेंड किया था। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात थी, काका कालेलकर कमीशन को ये दिक्कतें आई थी तो उन्होंने कहा था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन सबसे आश्चर्य बात था कि जब वो कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो गई, काका कालेलकर जो खुद एक ब्राह्मण समुदाय से थे, उन्होंने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट पेश की और उसके उस पर जो उन्होंने अपनी बात कही, उसने उसमें एक निचोड़ लिखा कि मैं इस रिपोर्ट से असहमत हूं। आप समझिए, किसी भी चेयरमैन का जो वो रिपोर्ट दे रहा है और उसमें वो बोल दे कि आई डू नॉट एग्री विद दिस रिपोर्ट, तो वो एक बहाना मिल गया। कि कितने दिक्कतों के बाद ये कमीशन बनी थी काका कालेलकर की, बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा नेहरू जी के कैबिनेट से। तीन कार्य, वो अपने जो रेजिग्नेशन लेटर है उसमें उन्होंने जिक्र किया है। हिंदू कोड बिल के अलावे जो प्रमुख कारण था जिसके लिए वो उन्हें एतराज था, वो ये था कि देश के बहुसंख्यक पिछड़े समाज के लोगों के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधान जो था एक कमीशन का बनाना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं कर रही थी और इसी वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और 1931 को बेस बनाया गया। बहुत जो लोग हमारे कई साथी, डॉक्टर रतनलाल भी बैठे हैं, संदीप जी को भी याद होगा, प्रसेंजित है यहाँ, कि किस तरह से 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो लगा कि जैसे कि देश के हक को छीनकर पाकिस्तान को दे दिया गया। एक आग लग गई थी पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय सहित पूरे जगत, और यह कहा गया जैसे बहुत घनघोर अन्याय हो गया। और उसमें एक प्रमुख आरोप था कमीशन का कि दे हैव गॉन बैक ऑन अ डेटा विच इज सो ओल्ड, 1931। लेकिन बहुत दिलचस्प बात है कि अभी जो बिहार सरकार ने जाति सर्वे कराया है और उसके जो डेटा है वो लगभग उसी अनुरूप है जो 1931 में वो डेटा जो भारत सरकार का था।
यानी कि 1931 के बाद बिहार दो राज्य में बंट चुका है, बिहार और झारखंड हो चुका है, और उसमें लेकिन जो रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन मंडल कमीशन ने रखा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए मंडल कमीशन को चाहकर भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पूरे तरह से उसके एक एक क्लॉज को बार बार बहस में, और मैं आज याद करता हूं राम जेठमलानी साहब को जिन्होंने अकेले उस केस के पक्ष में लड़ा और उस केस में जीत हासिल हुई, और मंडल कमीशन के विरुद्ध पूरे सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक शब्द नहीं मिला, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज ऑफ क्रीमी लेयर वॉज एडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. क्रीमी लेयर इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बेसिस एंड इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट विदस्टैंड द बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग. खुद मंडल जी ने कई बार जिक्र किया था, और जिस परिवेश से वो आते थे उनके जो था वो एक उत्कृष्ट मैं समझता हूँ स्तर पर था, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, और बिहार में जहां पर ऑयल रिफाइनरी थी और किसी कारणवश तेल का रिसाव हो गया गंगा में और उसमें आग लग गई, और वो न्यूज आया पटना में विधानसभा में, एक सवर्ण पूर्व मुख्यमंत्री, ब्राह्मण पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो यही होगा, गंगा में आग लगेगी. ये अलग बात थी कि वो जिस आर्थिक स्थिति के थे पास थे, लेकिन यहां बात ईडब्ल्यूएस की फिर आ गई, और एक दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया गया ईडब्ल्यूएस को इस देश में लागू करके, और आज स्थिति है कि ओबीसी की तमाम सीटें उसको गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से ईडब्ल्यूएस जो दो साल पहले लगी है उसके बैकलॉग कह के परिवर्तन किया जा रहा है. ये ओबीसी को हर एक स्टेप पर इस तरह से उनको जलील किया जा रहा है, लेकिन हमारे नेता और हमारे लोग उस पर किसी तरह का जो एक आक्रोश दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है. दिखता है सामाजिक मंचों पर जो हम जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2011 में पार्लियामेंट का यूनानिमस रेजोल्यूशन था कि देश में सेंसस के साथ जाति को गिना जाए. कांग्रेस की सरकार थी और उस समय पार्लियामेंट में बहुत ही बखूबी आदरणीय मुलायम सिंह जी जो आज नहीं हैं, शरद यादव जी, लालू प्रसाद जी ने इसको बड़े जोरदार तरीके से रखा और वो रेजोल्यूशन पास हुआ. लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना था उसको किसको करना था, पी चिदम्बरम साहब, प्रणब मुखर्जी, और उन्होंने इसको मोड़ दे दिया. उन्होंने कहा कि सेंसस कमिश्नर विल नॉट डू इट, देर विल बी अ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन अफेयर्स, एक एनजीओ को लाकर करेंगे, और 5,000 करोड़ आवंटित किए गए. 5,000 करोड़ के खर्च के बाद भी जब ये पूरे डेटा भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास आ चुकी है तो उस पर भी वो कौन सा दे, उस सर्वे की भी जानकारी और उसमें जातिगत जो स्थिति है वो नहीं दे रहे. होम मिनिस्टर जाके बिहार में कहते हैं कि यहां जो जाति सर्वे हुआ है इसमें एक जाति का रेशियो कुछ बढ़ा के दिया गया, तो आपके पास तो सेंसस है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देश को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, और यह सिर्फ इसलिए कि जो देश के पिछड़े वर्ग का हक है वो हक उनको नहीं मिले. मैं खासतौर से आज आपको बताना, अभी तक का रिपोर्ट है, मोर देन 50% पोलिंग हुआ है, क्या परिणाम आएगा? कांग्रेस बहुत खुश है, 75 सीट लाएंगे, 2024 में भी खुश थे, और हम उनको याद दिलाए थे कि ईवीएम है, और उसके बाद वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है बंबई की, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में
80 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीती थी, उसको बेईमानी से मैनिपुलेट करके उनको जिताया गया है, और ये इंडिया गठबंधन की सीटें थी। क्या आपने किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उस रिपोर्ट की चर्चा सुनी है जिसमें तमाम ऐसे विद्वान लोग हैं जो हवा में बातें नहीं करते हैं, वो डेटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ अपने बात को उस रिपोर्ट में रखे हैं। तो हरियाणा में क्या परिणाम आएगा? डॉक्टर रतन लाल जी कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं चाहता हूं बने, लेकिन ईवीएम के जोड़ के आगे क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है।